हेलो डियर, स्वागत करता हूँ आप सभी को। GNM थर्ड ईयर के जितने भी हमारे डियर हैं, वेलकम है। आज का वीडियो है CHN 2 के ऊपर, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 के ऊपर आ देता है। तो इस प्रकार से जब आप शॉर्ट देख लेंगे तो बहुत सारे लॉन्ग भी आपके क्लियर हो जाएंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, हिंदी वाले हिंदी में अपना कम्प्लीट कीजिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में कम्प्लीट कीजिएगा। PDF आपको वीडियो को कुछ देर डलने के बाद PDF आपको डिस्क्रिप्शन में डल जाता है, ओके। तो PDF डायरेक्ट डाउनलोड कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं कि जैविक सांख्यिकी वाइटल स्टैटिक्स क्या होता है, जैविक सांख्यिकी के उपयोग एवं महत्व को बताएं। साथियों, क्वेश्चंस पूछ सकता है वाइटल रिकॉर्ड या वाइटल जो है स्टैटिक्स के बारे में। स्टैटिक्स जो होता है सांख्यिकी, इसको हम लोग कॉमर्स यानी इकोनॉमिक्स के शास्त्र में, इकोनॉमिक्स के जो है हम लोग भाषा में स्टैटिक को सांख्यिकी कहते हैं, लेकिन स्टैटिक्स का मतलब आंकड़ा होता है, ठीक है। रिकॉर्ड ये इसके जगह पे पूछ सकता है या स्टैटिक्स दे सकता है। वाइटल रिकॉर्ड्स या वाइटल स्टैटिक्स दोनों का मतलब एक ही होता है। सांख्यिकी कहिए या आंकड़ा कहिए, बात वही है, समझ गए। जैविक सांख्यिकी या आंकड़ा क्या है, इसके उपयोग और महत्व को बताना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, पहले जानेंगे कि जैविक सांख्यिकी, जैविक आंकड़ा या वाइटल स्टैटिक्स या रिकॉर्ड क्या है। जीवन की महत्वपूर्ण घटना, देखिए हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे घटना होते हैं जिसका रिकॉर्ड बनता है, ठीक है। जैसे जन्म और मृत्यु, आप लोग जानते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का एक आपका पोर्टल होता है, जहाँ से कोई अगर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना चाहता है तो बन सकता है। तो जन्म और मृत्यु जो है स्टैटिक्स होता है, विवाह का होता है, बीमारी का होता है, आदि संबंधी विभिन्न तथ्यों का एकत्रीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या कर निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया जैव आंकड़े या जैव सांख्यिकी कहलाते हैं। यहाँ पे समझिए, वाइटल स्टैटिक्स का मतलब होता है कि जीवन के महत्वपूर्ण घटना जैसे जन्म, मृत्यु, विवाह, बीमारी, इस सब से संबंधित जितने भी विभिन्न तथ्य फैक्ट होते हैं, सब का जो है एकत्रित कलेक्शन किया जाता है इसके अंदर, वाइटल स्टैटिक्स के अंदर इसका विश्लेषण किया जाता है, व्याख्या करके निष्कर्ष जो है किस प्रक्रिया के द्वारा निकाला जाता है, तो यही वाइटल स्टैटिक्स होता है, जैविक सांख्यिकी या जैविक आंकड़ा। तो अगर कोई आपसे पूछेगा वाइटल स्टैटिक्स क्या है, तो सिंपल भाषा में बताइएगा, वाइटल जो है स्टैटिक्स का मतलब होता है कि जीवन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण घटना जैसे विवाह, मृत्यु, जन्म, बीमारी आदि से संबंधित जो भी सूचना, जो भी फैक्ट मतलब तथ्य होता है, इसका एकत्रीकरण करना, विश्लेषण करना और व्याख्या करके इसके निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया को जैव सांख्यिकी, वाइटल साइंस कहते हैं, ठीक है। तो यही जो है हमारा वाइटल साइन होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, सकल जन्म दर क्रूड बर्थ रेट, सकल मृत्यु दर क्रूड डेथ रेट, मातृ मृत्यु दर मैटरनल मोर्टालिटी रेट, परिश्रव मृत्यु दर पेरिनेंटल मोर्टालिटी रेट, जीवन जीने की प्रत्याशा एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, किसी बीमारी की घटना इंसिडेंस और इंसिडेंस रेट ऑफ एनी डिजीज, किसी बीमारी का फैलाव दर प्रिवेंशन रेट ऑफ एनी डिजीज अति महत्वपूर्ण जैव सांख्यिकी दर है। देखिए, किसी भी जैव सांख्यिकी का विश्लेषण, उसका डाटा तैयार करना जैव सांख्यिकी दर कहलाता है, ठीक है। जैसे बीमारी का फैलाव दर, यानी बीमारी के फैलाव दर मतलब प्रीवेलेंस रेट ऑफ डिजीज, समझ गए। इसी प्रकार से बीमारी, किसी बीमारी के घटना दर, जीवन जीने की प्रत्याशा मतलब जीवन जो है व्यक्ति का कितना है, समझ गए। परिश्रव मृत्यु दर मतलब प्रसर्व जो होता है उसका मृत्यु दर कितना है, मातृ मृत्यु दर मतलब जो शिशु के जन्म देने में मातृ मृत्यु दर कितना होता है, सकल मृत्यु दर मतलब क्रूड डेथ रेट और सकल जन्म दर मतलब ये सारे के सारे जो है आपके क्या है, दर है। ये सब दर जो है निकाला जाता है। और हम दर जानते हैं, दर मतलब होता है एक प्रकार से बाटा, कि इसके साथ टोटल के सापेक्ष में जिसको निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं, और यह जनसंख्या वाला है इसलिए हजार से गुना करते हैं, तो इस प्रकार से यह दर निकलता है, ठीक है।
तो दर का मतलब होता है आपका कि बट्टा, बट्टा समझ गया, दर का मतलब बट्टा प्रति होता है, समझ गए। तो सकल मृत्यु दर, सकल जन्म दर, समझ गए ना, बीमारी किसी बीमारी का फैलाव दर, जीवन जीने की प्रत्याशा, ठीक है, उसके बाद किसी बीमारी की घटना दर, इस सब के सब जो है क्या है, जैव सांख्यिकी दर है, समझ गए चीज़ को। ये सांख्यिकी दरें महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतक होती है। अब ये सब के सब जो दर होता है यह आपके जो है हेल्थ इंडिकेटर के रूप में काम करता है, बताता है कि देश और समाज में कैसा जो है मृत्यु का दर है, कैसा स्वास्थ्य का दर है, कैसा लोग कितना दिन जी सकता है, ठीक है, कितना कौन सी बीमारी का फैलाव रेट है, ये सब के सब पता कहाँ से चलता है, वाइटल स्टैटिक्स रेट के द्वारा ही चलता है। तो चीज़ों को समझ गए, चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे इसका क्या उद्देश्य है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाइटल स्टैटिक्स, मतलब ये जो आंकड़ा होता है, चाहे वो जन्म का आंकड़ा हो, मृत्यु का आंकड़ा हो, चाहे बीमारी के आंकड़ा हो, ठीक है, किसी भी चीज़ का आंकड़ा हो, ये सब आंकड़ा जो होता है वाइटल रिकॉर्ड, इसका क्या ऑब्जेक्टिव्स, क्या उद्देश्य होते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं। इसके उद्देश्य होते हैं जैसे बेहतर स्वास्थ्य सेवा के नियोजन करना एवं क्रियान्वयन हेतु विभिन्न घटनाओं से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। सांख्यिकी का मतलब ही होता है कि डाटा इकट्ठा करना, ठीक है। तो ये जो होता है इसका महत्व है, वाइटल स्टैटिक्स का ये महत्व है कि बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए हमको जो है विभिन्न घटनाओं से संबंधित आंकड़े एकत्रित करना होगा, पढ़ना होगा कि कौन से बीमारी का फैलाव दर कितना है, उसको जो है कंट्रोल करने का दर कितना है, मृत्यु दर इससे कितना है, इससे इस देश में जन्म दर कितना है। तो ये सब का आंकड़ा रहेगा तब तो हम बेहतर जो है स्वास्थ्य अपने देश के लिए दे सकते हैं, ठीक है, देश लेवल पर जो कार्यालय वो दे सकता है। तो ये जो है आंकड़ा जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक बेहतर स्वास्थ्य सेवा के क्रियान्वयन में, ठीक है। दूसरा इसका उपयोग होता है यानी उद्देश्य है कि सभी स्तर के स्वास्थ्य अधिकारियों एवं प्रबंधकों को विभिन्न जैविक घटनाओं से संबंधित न्यूनतम एवं शुद्ध आंकड़े उपलब्ध कराना। अब ये जो एस्टेटिक्स होता है, जो आंकड़ा है, इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये होता है कि जितने भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे ऑफिसर्स या मैनेजमेंट होता है वो सब जो है अपने जो भी नए नए घटना है उसके बारे में जान सके कि अभी किस बीमारी का लहर है, किसका कितना जो है कंट्रोल दर है, किसका कितना फैलाव दर है, ठीक है, किस बीमारी से लोग कितना ज़्यादा मृत्यु हो रहा है, मतलब मृत्यु दर क्या है, ठीक है। तो इस तरीके के जो है आंकड़े को जो है अधिकारियों तक जो है उपलब्ध कराना यह बहुत मदद करता है वाइटल स्टैटिक्स, समझ गए। तीसरा देखिएगा कि प्रदान की गई स्वास्थ्य सेवाओं के मूल्यांकन में सहयोग करना, ठीक है। अब जो भी स्वास्थ्य है उसको, जो भी प्रदान किया गया स्वास्थ्य है उसको मूल्यांकन में सहयोग करना इसका एक महत्वपूर्ण जो है क्या है, घटक है। तो ये चीज़ें को समझ लीजिए, ठीक है। तो जो भी स्वास्थ्य सेवा दिया जाता है उसका मूल्यांकन जो है हम स्टैटिस्टिक्स के जरिए कर सकते हैं, आंकड़ा के जरिए, ओके। समुदाय एवं देश में मौजूद विभिन्न संस्था जैसे मानव शक्ति, धन एवं सामग्री के यथासंभव सर्वश्रेष्ठ वितरण एवं उपयोग को बढ़ावा देना। अब जितने भी देश में संसाधन हैं, मौजूद जो भी संसाधन हैं जैसे ह्यूमन रिसोर्स, मैन पावर, मानव शक्ति, धन, समझ गए, एवं सामग्री, ये सब का जो है उपयोग जो है और डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस आंकड़े के तहत किया जाता है। अगर देश के पास ये आंकड़ा नहीं रहे कि हमारे देश में कितना जन्म दर है, कितना मृत्यु दर है, कितना टोटल जनसंख्या है, ठीक है, तो अगर ये चीज़ पता नहीं रहेगा तो जो प्रधानमंत्री जो योजना चलता है खाद्यान्न योजना, जिसके तहत फ्री में अनाज वगैरह दिया जाता है, अगर देश के पास डाटा नहीं रहेगा तो कैसे दे पाएगा। तो सब डाटा जो है देश के पास है तभी जो है वहाँ से जारी होता हो, अनाज जारी होता है कि हाँ हमारे देश में इतना व्यक्ति है, इतना जनसंख्या है, तो इतना अनाज का जो है उपभोग होगा इस साल, ठीक है, और उतना जारी होता है पैसा या अनाज। तो ये सब के सब जो है आंकड़ा मौजूद होता है कार्यालय में देश के पास, जहाँ लोगों को सामान वितरण और उपयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलता है विभिन्न संसाधनों का, ठीक है, कि किन संसाधनों का कितना उपयोग होगा, कितना वितरण होगा सबके बीच में, यह जो है बताता है यह आंकड़ा, ओके।
पांचवा देखिएगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में होने वाले अनुसंधानों को बढ़ावा देता है। अब जब हमें ये पता रहेगा कि कितना कौन से बीमारी के बढ़ावा है, कितना क्या चीज़ आवश्यकता है देश को, ठीक है, कितना जन्म कितना मृत्यु दर है, तो इससे जो है हम रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है, इससे रिसर्च को क्या होगा यानी अनुसंधान में बढ़ावा मिलता है। तो ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण होता है, यानी यह वाइटल स्टैटिक्स जो है, जो व्यक्ति से जुड़ा हुआ स्टैटिक्स होता है, आंकड़ा होता है, चाहे वो उसके मृत्यु हो, चाहे वो उसके बीमारी हो, चाहे उसके स्वास्थ्य हो, चाहे उसके जन्म दर हो, ये सब के, चाहे उसके बीमारी के फैलाव दर हो, कहीं ना कहीं सब जो है व्यक्ति से ही रिलेटेड है देश के, और देश के जो व्यक्ति से रिलेटेड है वही आपका वाइटल क्या होता है, रिकॉर्ड्स होता है, समझ गए। चलिए अब हम लोग से इसका उपयोग भी पूछा था, तो चलिए उपयोग, यूज ऑफ वाइटल स्टैटिक्स देखते हैं, इसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है। देखिए, जैव सांख्यिकी द्वारा दिया गया आंकड़ा समुदाय विशेष तथा देश के लोगों के स्वास्थ्य स्तर के बारे में सूचनाएं प्रदान करता है। देखिए, ये जो वाइटल रिकॉर्ड या स्टैटिक्स होता है, ये जो भी आंकड़ा देता है, इस आंकड़े से जो है समुदाय और देश के लोगों को एक स्वास्थ्य स्तर के बारे में सूचना प्राप्त होता है कि किस क्षेत्र में कैसा बीमारी है, कितना ज़्यादा भयावह है, कितना ज़्यादा उसका फैलाव रेट है, कितना ज़्यादा उसका जो है रोकथाम जो है संभव है, ये सूचना प्राप्त कहाँ से होता है, इन आंकड़ों के जरिए ही होता है, ठीक है। दूसरा देखिएगा, जैव सांख्यिकी आंकड़े समुदाय एवं देश के लोगों के स्वास्थ्य संबंधी समस्या एवं आवश्यकताओं के आकलन में सहायक होते हैं। देखिए, जो जैव संबंधी मतलब वाइटल रिकॉर्ड होते हैं, जो व्यक्ति से रिलेटेड जो आंकड़े होते हैं, यह देश और समुदाय के लोगों को स्वास्थ्य से संबंधी क्या समस्या है और उसका आवश्यकता कैसे होगा, क्या आवश्यकता है, ये जो है वाइटल साइन से पता चलता है और ये उसको आकलन करने में बहुत हद तक सहायक होता है, जिसे पता चलता है कि लोगों के बीच में कौन सी समस्या है और इसका आवश्यकता क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये वाइटल साइन से पता चलता है, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है, ओके। तीसरा देखिएगा, जैव सांख्यिकी आंकड़े एक समुदाय के लोगों के स्वास्थ्य स्तर की दूसरे लोगों के स्वास्थ्य स्तर से तुलना करने में उपयोग होते हैं। अब ये आंकड़ा रहता है तो ये आंकड़ा बताता है कि जैसे गांव के लोग हैं, ठीक है, शहरी समुदाय के लोग हैं और ग्रामीण समुदाय के लोग हैं, तो इन दोनों में हेल्थ का क्या डिफरेंस है, यह पता करने के लिए आंकड़ा महत्वपूर्ण भूमिका तुलना के रूप में निभा सकता है। यह बता सकता है कि शहर में कितना जो है बीमारी का रेट है और गाँव में कितना बीमारी का रेट है, रिकवरी रेट शहर में कितना है उस बीमारी का और गाँव में कितना है, यानी ओवरऑल जो है यह तुलना करने में महत्वपूर्ण होता है एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के लोगों के स्वास्थ्य से, ठीक है। चौथा देखिएगा, जब सांख्यिकी आंकड़े सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के मूल्यांकन में भी सहायक होते हैं। देखिए, ये जो हमारा वाइटल रिकॉर्ड्स या स्टैटिक है, यह सरकार के द्वारा जो भी स्वास्थ्य की योजना चलाया जाता है उसका कितना ज़्यादा प्रभाव है लोगों पर, लोग कितना ज़्यादा इस योजना का जो है फायदा उठा रहा है या भाग ले रहा है, यह सरकार को भी जो है इसके मूल्यांकन में मदद करता है। चूँकि सरकार कोई भी योजना चलाती है तो उसका मूल्यांकन भी लास्ट में जरूर होता है, रिजल्ट भी जरूर देखा जाता है कि इस योजना का कितना ज़्यादा जो है इफेक्ट लोगों के बीच रहा या इस योजना का क्या फल रहा, ठीक है। तो इसके रिजल्ट लाने में, मूल्यांकन करने में बहुत बड़ा भूमिका जो है सरकार की योजना में यह वाइटल रिकॉर्ड्स निभाता है, ठीक है। पांचवा यहाँ पे देखिएगा कि ये आंकड़े समुदाय तथा देश में उपलब्ध विभिन्न संसाधनों के यथासंभव सर्वश्रेष्ठ उपयोग एवं वितरण को बढ़ावा देता है। अब ये जो वाइटल्स रिकॉर्ड या स्टैटिक्स है, इसके जरिए समुदाय में, एक ग्रामीण क्षेत्र में या एक देश लेवल पर भी कहा जाए, तो जो भी रिसोर्सेज है, संसाधन है, जो भी उपयोग करने वाले चीज़ें हैं, लोगों में वितरण करने वाले चीज़ें हैं, इसको क्या करता है कि सब में उपयोग और वितरण को बढ़ाता है, ठीक है। कि हमारे जैसे देखिए, अगर सरकार को ये पता नहीं है कि हमारे देश में कितने जनसंख्या है और उस जनसंख्या जैसे समझिए एक चीज़ है, जैसे 15,000 लैपटॉप है और सरकार को वितरण करना है 15,000 पूरे जैसे समझिए कि एक राज्य है, ठीक है, राज्य नहीं, मैं देश में ही मानता हूँ, एक देश में 1 करोड़ जनसंख्या है, सीधा मानिए, अगर 1 करोड़ जनसंख्या है तो 1 करोड़ जनसंख्या में
25 लाख जनसंख्या युवा का है और सरकार ने निर्णय लिया कि 25 लाख युवाओं को लैपटॉप देना है, ठीक है। तो इस हिसाब से जब सरकार के पास ये डाटा नहीं रहेगा कि कितना युवा है, तो सरकार को जो लैपटॉप देना है वो कैसे पता चलेगा कि हाँ इतने युवाओं के बीच हम लैपटॉप देंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार के पास आंकड़ा होगा, यानी वाइटल रिकॉर्ड होगा, और उसी रिकॉर्ड के अनुसार वह वितरण करेगा लोगों में लैपटॉप। तो यह रिकॉर्ड जो है, यह स्टैटिक रिकॉर्ड जो है, यह चीज़ों को, संसाधनों को उपयोग और वितरण में बढ़ावा देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यह आंकड़े स्वास्थ्य विभाग की स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन में प्राथमिकता निर्धारित करने में मदद करते हैं। मतलब ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जो आंकड़े होते हैं स्टैटिक्स, यह स्वास्थ्य विभाग हेल्थ डिपार्टमेंट के जो हेल्थ सर्विस है उसको क्रियान्वय करने में मदद करता है, मतलब कामों को चलाने में मदद करता है, सुचारू रूप से प्राथमिकता देता है कि किस, जैसे आंकड़ा बताएगा, जैसे चार चीज़ें हैं, ठीक है, चार चीज़ें हैं, समझ गए, चार स्टूडेंट है, ए स्टूडेंट है, बी स्टूडेंट है, सी स्टूडेंट है, डी स्टूडेंट है, ठीक है। ए स्टूडेंट का संख्या, सॉरी, ए स्टूडेंट जो है बहुत मजबूत है, ए स्टूडेंट जो है 10 अंक वाला है, ठीक है। बी स्टूडेंट को एग्ज़ाम में मिल गए 5 अंक, सी स्टूडेंट को एग्ज़ाम में मिल गए 7 अंक, और डी स्टूडेंट को एग्ज़ाम में मिल गए कितने, 8 अंक, ठीक है। तो इस हिसाब से यह आंकड़ा बताएगा कि कौन सबसे ज़्यादा इसमें कमज़ोर है। तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर कौन होगा, तो जो मार्क्स कम लाएगा वही सबसे ज़्यादा कमज़ोर होगा। तो कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ध्यान कब दिया जाएगा, कब इसको जो है प्राथमिकता ज़्यादा दिया जाएगा, जब हमें पता रहेगा इसके आंकड़े के बारे में। तो ये सबसे कम नंबर बी लाया है, तो बी पर ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाएगा, ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये पता होगा तब ना कि इनमें सबसे कम जो है किसका है। उसी प्रकार से यह आंकड़ा बताता है कि स्वास्थ्य कैसा है, कौन से स्वास्थ्य को ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए कामों में, सेवा में, यह स्वास्थ्य विभाग को मदद करता है, ठीक है। सातवां और आखिरी है कि ये आंकड़े स्वास्थ्य विभाग की स्वास्थ्य नीतियों एवं कार्य प्रणाली में आवश्यकता अनुसार संशोधन करने में मदद करता है। अब ये जो आंकड़ा है, किस आंकड़ा में कहाँ पे फॉल्ट है, कहाँ पे गड़बड़ी है, कहाँ पे कमी है, तो उस कमी के अनुसार जो है स्वास्थ्य विभाग को ये जो आंकड़ा होता है, ये उस स्वास्थ्य विभाग के नीति, मतलब नियम और कार्य प्रणाली को आवश्यकता अनुसार संशोधन करने में मदद करता है। अगर स्वास्थ्य विभाग देखेगा, डाटा देखेगा, आंकड़ा देखेगा, और उसे जिस भी क्षेत्र में लगेगा कि इसमें कमी है स्वास्थ्य में, तो वो अपने अनुसार जो है नीति बनाएगा और कार्य प्रणाली में सुधार संशोधन करेगा। तो यही जो है मदद करता है, कौन, डाटा के द्वारा, स्टैटिस्टिक्स के द्वारा। तो इस प्रकार से इसका उपयोग यहाँ पे है, उपयोग कहिए या महत्व कहिए, बात वही है, उद्देश्य भी इसका बता दिए और ये होता क्या है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स या रिकॉर्ड, ये भी बता दिए, समझ गए। चलिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं कि मिड डे मील प्रोग्राम क्या होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है 5 नंबर में। तो चलिए मिड डे मील प्रोग्राम के बारे में देखते हैं, आसान प्रश्न है, देख लीजिए। इस कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार के अधीन कार्यरत शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1961 में की गई। देखिए, भोजन मिड डे मील जो कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत जो है भारत सरकार के द्वारा किया गया। किस मंत्रालय के अधीन किया गया, तो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उसके मंत्रालय के अधीन में 1961 में जो है मध्यान्ह भोजन, जिसको बोलते हैं मिड डे मील, इसको शुरू किया गया। ओके, कोई दिक्कत। चलिए, इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, आखिर यह कार्यक्रम क्यों शुरू किया गया, क्या उद्देश्य है, चलिए देखिए। पहला पॉइंट इसका देखिएगा, स्कूली बच्चों में कुपोषण की रोकथाम कर उनके स्वास्थ्य स्तर को बढ़ावा देना। अब जैसे होता यह था कि लोग जाते थे, स्टूडेंट स्कूल में जाता था और क्या करता था कि बहुत सारे स्टूडेंट अपने घर से लंच लेके जा पाता था, बहुत नहीं जा पाता था, जो नहीं जा पाता था तो सुबह जाता था, शाम में आता था, तो उसको बहुत ज़्यादा जो है कुपोषण की शिकार हो जाता था। तो ऐसे में सरकार ने सोचा कि क्यों ना जो है मिड टाइम का, यानी जो मध्यान्ह भोजन, इसीलिए नाम दिया गया कि दिन के मध्य में भोजन दिया जाता है, लंच में। तो इस प्रकार से
ताकि कुपोषण को रोकथाम किया जा सके। ठीक है, बच्चों को शिक्षा की ओर आकर्षित करना ताकि साक्षरता के स्तर में सुधार हो। अब यह इसलिए भी शुरू किया गया ताकि बच्चे में इसके प्रति लोभ बढ़े, इसके प्रति जो है ज़्यादा खाना पीना मिले, इसके लोभ से भी बच्चा जो है स्कूल जाए और साक्षरता दर बढ़े, इसके हिसाब से भी शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूली बच्चों को जो भी परोसे जाने वाला खाना होता है उसकी कुल ऊर्जा का लगभग एक तिहाई तथा कुल प्रोटीन की आवश्यकता का लगभग आधा उपलब्ध करता है। देखिए, इस भोजन का यह उद्देश्य था कि जो भी स्कूली बच्चा है उसके खाना में ऐसा भोजन परोसा जाए कि उसके जितने भी ऊर्जा चाहिए एक दिन में, उस एक दिन का ऊर्जा का एक तिहाई, जैसे अगर हमें मानिए 1000 किलो कैलोरी अगर जो है किलो कैलोरी जो है हमें ऊर्जा चाहिए, किलो 1000 किलो कैलोरी, ठीक है, इतना ऊर्जा एक मानते हैं सपोज डैट, तो इसका एक तिहाई जो है यह स्कूल के भोजन से मिले, यह इसलिए शुरू किया गया, यानी लगभग 350 किलो कैलोरी जो है स्कूल से मिले ऐसे शुरू किए गए। ठीक है, ऊर्जा बाकी प्रोटीन की आवश्यकता आधा, मतलब अगर प्रोटीन अगर 150 है इसमें से आधा 75 प्रोटीन जो है इसको उसकी स्कूल से मिल जाए ऐसा भोजन जो है परोसने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, दिया गया। उसके बाद है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिदिन परोसे जाने वाला भोजन का मेनू निम्न प्रकार है। देखिए, अब चेंज हो गया होगा, वो बातें अलग है, बट पहले जब शुरू हुआ था तो जो है देख लीजिए, जो अनाज होता है जैसे चावल जो होता है वह 75 ग्राम प्रति बालक दिया जाता है। ठीक है, दाल जो है 30 ग्राम प्रति बालक स्कूल में, ठीक है, उसके बाद तेल जो होता है 8 ग्राम प्रति बालक, पत्तेदार हरा सब्जी 30 ग्राम प्रति बालक और अन्य सब्जियां जो है 30 ग्राम प्रति बालक जो है देने का रखा गया लक्ष्य। अब इसमें कितना मिल पाता है नहीं मिल पाता है, कितना दिन तो चावल दाल चोखे में ही काम चल जाता है, कितना आलू सोयाबीन ही खियाता रहता है, हरे पत्तेदार सब्जियां की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो ये सब जो है कितना इसमें मिलता है नहीं मिलता है ये तो हम नहीं बता पाएंगे, बट अगर इसमें अब चेंज हुआ होगा तो आप लोग देख लीजिएगा कि अब कितना मिलता है मेनू में, भोजन अब कितना मिलता है रखा गया है, बट ये उस समय का है जब शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए ये चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे देख लीजिए, इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक बच्चे को 200 दिनों तक पूरक आहार दिया जाता है, मतलब 365 दिन में 200 दिन जो है रखा गया कि 200 दिन भोजन दिया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे छुट्टी वगैरह भी हो जाता है तो काट छाँट के 200 दिन जो है इसमें दिया जाता है सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री आहार, पूरक आहार। ओके, तो ये आपका हो गया मिड डे मील, समझ गए। चलिए, अब मिड डे मील के बारे में आप चाहें तो और सारे चीज़ लिख सकते हैं, किसका क्या फ़ायदे हो सकते हैं, सरकार का क्या क्या जो है इसमें स्कीम होता है, इसको अपने हिसाब से आप इसको और ज़्यादा बारा करके लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन है कि फंक्शन ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल, बहुत महत्वपूर्ण है, आप जो कोर्स कर रहे हैं GNM, इसको कौन संचालित करता है, इसको कौन मान्यता दिया है, तो यह INC ही दिया है, तो इनके कार्यों के बारे में देख लीजिए। ठीक है, चाहे आप किसी भी स्टेट के नर्सिंग काउंसिल से आप कर रहे हैं कोर्स, सबका गुरु कौन है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल है। ठीक है, एक कह देगा तो कि GNM सिलेबस बंद तो बंद, एक कह देगा कि ANM सिलेबस बंद तो बंद, एक कह देगा कि इसमें ये संशोधन किया जाए, बदलाव किया जाए, तो बदलाव हो जाएगा। मींस ये सारे रेगुलेशन का काम, नियम कानून के काम कौन करते हैं, इंडियन नर्सिंग काउंसिल करते हैं। तो चलिए, इसके कामों के बारे में ही आज देखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल के निम्न कार्य होते हैं, पहला देखिए, नर्सिंग विद्यार्थी को दी जाने वाली प्रशिक्षण को अधिकृत करना, मतलब रजिस्टर्ड करना, मतलब जो भी नर्सिंग विद्यार्थी है इसको जो भी प्रशिक्षण दिया जाता है इसको रजिस्टर्ड अधिकृत करना किसका काम है, INC का ही काम है। ठीक है, दूसरा है नर्सिंग कॉलेज व स्कूलों को मान्यता प्रदान करना व उनका समय समय पर निरीक्षण करना। इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC का काम होता है कि ये क्या करे कि समय समय पर जितने भी नर्सिंग कॉलेज है, जितने भी स्कूल है नर्सिंग, उसको मान्यता प्रदान करना और समय समय पर उसका जांच करना, निरीक्षण करना। ठीक है, तीसरा है काम, विभिन्न नर्सिंग कोर्सों के लिए नवीनतम पाठ्यक्रम व मापदंड तैयार करना, मीन्स
वही चीज़ें हैं कि जो भी नर्सिंग कोर्स है, चाहे जीएनएम हो, ईएनएम हो, पोस्ट बीएससी नर्सिंग हो, बीएससी नर्सिंग हो, तो इन सब के लिए जो है नवीनतम पाठ्यक्रम और मापदंड तैयार करना कि कितना एज चाहिए, कितना जो है क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन से सब्जेक्ट से चाहिए, ये मापदंड और नवीनतम पाठ्यक्रम कौन लागू करता है? आईएनसी, ठीक है। स्टेट नर्सिंग काउंसिल का कोई रोल नहीं होता है पाठ्यक्रम और ये सब लागू करने में। नेक्स्ट है, नर्सों के लिए विभिन्न विषयों पर सेमिनार व वेबिनार का आयोजन करना। नर्स के लिए जो है विभिन्न सब्जेक्टों पर सेमिनार और वेबिनार का आयोजन भी जो है आईएनसी के द्वारा किया जाता है, इस चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है। पांचवा में देखिएगा, राजकीय नर्सिंग कॉलेज व राज्य सरकारों को नर्सिंग शिक्षा का स्तर उच्चतम करने के लिए सलाह प्रदान करना। अब आईएनसी का एक काम होता है कि जो भी राज्य नर्सिंग काउंसिल है या फिर जो भी राज्य सरकार के अधीन में नर्सिंग शिक्षा का स्तर है उसको कैसे बेहतर करना है, इसके लिए सलाह देने का काम कौन करता है? आईएनसी करता है। ज़रूरत पड़ने के हिसाब से यह जो है नियम कायदे भी बनाता है नर्सिंग के सिलेबस के लिए, नर्सिंग के विद्यार्थी के लिए। वो उसके बाद जो है यह जो है विभिन्न नर्सिंग क्षेत्रों में यह अवार्ड और फंक्शन का भी ऑर्गेनाइजेशन करता है। तो बहुत सारे काम जो है आप लिख सकते हैं आईएनसी का जो किया जाता है, ठीक है, समझ गए। चलिए, यह सभी पंजीकृत राष्ट्रीय स्तर पर सभी पंजीकृत विद्यार्थियों का अपने अंदर डाटा भी रखता है, ठीक है, बहुत सारे काम हैं। बाकी यहाँ पे इसके नीचे सभी का इंग्लिश दिया गया है, तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़िएगा, मैं कहूँगा आप हिंदी में हैं या इंग्लिश में हैं। पहले अपने वीडियो को एक बार अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद पीडीएफ के डाउनलोड कीजिएगा और एक बार पढ़िएगा बाद में आकर, ताकि चीज़ें जब आप एक बार वीडियो देखेंगे और थोड़ी देर के बाद आकर पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा और पढ़िएगा, तो आपको पता चलेगा कि जो हम वीडियो में देखे हैं उसमें से कौन कौन से चीज़ें भूल रहे हैं और किस पर हमको जोर देने की आवश्यकता है। ऐसे ही पढ़ाई होता है, ऐसा नहीं है कि आए और पीडीएफ डाउनलोड करके चले गए, बाकी के काम खत्म हो गया, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।